आई बेट यू डिडंट नो दिस. आज मेरा बिला I bet you didn't know this. कल मेरा बिल्ला श्रीलंका से मलिंगा के बाल ले आया और वो कुछ ऐसा दिखता है. ये मलिंगा के बाल तो बहुत ही अच्छे हैं. मुझे तो मजा ही आ गया. सॉरी मैम, मेरे अंदर का सिंचन क्यों बाहर निकल जाता है यार. हे गाइस, आज प्लीज मेरे बाल इग्नोर कर देना. वो गोल्डन रिट्रीवर की तरह हो रखे क्योंकि आज मैंने शैम्पू किया था. यू ऑल नो मुस्कान कारिया. Who is more like Muskan Kharia? क्यों करता हूँ ऐसा? A girl who sexualizes food and she very well knows what she is doing. I bet you didn't know this. आज मेरे बिल्ले की girlfriend लाई उसके लिए एक तरक्ती बरक्ती चीज. वो कुछ ऐसा दिखता है. यह तो काफी मोटा है. काफी तीखा, काला और मसालेदार है. 110 रुपए. मैं इतना ज्यादा पिस्ड हूँ ना आप पे एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजों पे. सबसे पहले तो इंट्रो पे गौर फरमाते. I bet you didn't know this. हाँ मुस्कान, you are right. I didn't know this, but you know what? I don't even want to know this. और चॉपस्टिक से प्रिंगल्स कौन खाता है बे? चॉपस्टिक से चिप्स खाने वाली लड़कियां ना अक्सर सुशी और रामेन जैसे खाने हाथ से खाते हैं. देख लेना, तुमको किसी भी चीज को इतना ओवर यूज क्यों करना है मुस्कान. चॉपस्टिक से सब कुछ खाती है. चिप्स, चॉकलेट, भाई तुम लिख के रख लो. ऑफ कैमरा लड़की मैगी तक हाथ से खाती होगी. वो क्लास में लंच ब्रेक पे वो एक ऐसी चुड़ैल लड़कियां नहीं रहती थी हर स्कूल में, जो कि पूरे टाइम सोफिस्टिकेटेड रहेंगी जस्ट लाइक बबीता. ठीक है, लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक होगा उनके अंदर से कुछ निकलता है भाई, वो मैगी भी वो ऐसे हाथ से खाती है. मुस्कान इज दैट गर्ल. काफी तीखा, काला और मसालेदार है. 110 रुपए में गर्मा गर्म चिप्स का मजा. गर्मा गर्म? अभी प्रिंगल्स को पानी में उबाल के खा रही थी कि चिप्स कैसे गर्मा गर्म होते हैं. और सबसे ज्यादा बुरा तो भाई मुझे इसके बिल्ले के लिए लगता है. ये एक लौता ब्लैक लिविंग बींग है जो अभी तक भाई व्हाइट लोगों से हैरेस हो रहा है. नहीं, गलती अपनी, अपन ने ब्लैक लाइव्स मैटर तो चला दिया, लेकिन आगे कौन लिखेगा ऑल्सो फॉर कैट्स एंड डॉग्स. दिस इज द ओनली टाइम वी आर सीइंग पुसी हैरेसमेंट दिस ओपनली. दैट्स टू बाय अ पुसी एंड नो वन इज टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट इट. सो जितने लोगों को मुस्कान नहीं पता है अब तुम जान गए हो. हर होल कॉन्टेंट इज लाइक दिस ओनली कि भाई फूड को सेक्सुअलाइज करना एंड यू नो रेट करना. हाइड्रोफोबिया, हाइट फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बाप की बेल्ट का फोबिया, सब जाए बाहर. मुझे लाइफ में इतना सिंगल होने से डर लगता है कि मैं प्रिंगल्स के डब्बे को देखकर सोचूं यह तो काफी मोटा है. ये चॉकलेट देखती है तो सोचती है मुझे करक चीजें बहुत पसंद है. ये लिटरली मिल्क शेक देखती है तो सोचती है यह काफी मीठा, गाढ़ा और नटमीला है. नटमीला? बहन चुप, नटमीला क्या होता है? I bet you don't know this. आज मैंने अपनी लीची को लेकर उसका रस बना दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है. यह तो मेरा पसंदीदा है. देख, सबसे पहले तो आई वांट टू करेक्ट यू मेटाफोरिकली. आई थिंक रिस्पेक्टफुली इट वुड बी ग्रेट एंड इट वुड बी करेक्ट अगर तू मेटाफोरिकली लीचीज के बदले ऑरेंजेस यूज करे, यू नो, बाय ऑब्जर्विंग यू. इट्स अ ग्रेट थिंग टू यू एज वेल. लाइक आई होप यू वोंट गेट ऑफेंडेड. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एट द एंड ऑफ द डे. सो या, इंस्टेड ऑफ लीचीज यू शुड मेटाफोरिकली यूज ऑरेंजेस. आई बेट यू डिडंट नो दिस. आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है. मुझे खट्टी चीजें काफी पसंद है. यह काफी खट्टा, ताजा और चुपचुपा है. भगवान, सारी चीजें ऐसी सुन लेता तो आज कहाँ की कहाँ होता यार. एक तो मैं इसकी जितनी वीडियो देख रहा हूँ, मेरी बिल्ली ने निचोड़ के ये बना दिया, मेरी बिल्ली मनाली से ये ले आई, मेरी बिल्ली ने ये कर दिया. इसकी बिल्ली कौन सी ब्रीड की है? पर्शियन जॉनी. यह तो मेरा पसंदीदा है. ओह, इट्स वेरी गाढ़ा. भगवान से डर भूखी औरत. गाढ़ा? भाई मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कप के थ्रू. उससे ज्यादा गाढ़ा ना कफ सिरप होता है. ओह, इट्स वेरी गाढ़ा. अगर ये गाढ़ा है तो भाई दही तो तुम खा ही नहीं पाती होगी, गले में टक जाता होगा. नहीं, ओह, इट्स वेरी गाढ़ा. अयो, कैसे बोल रहा, किससे बोल रहा? सॉरी भाई, मैं रात के 1:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं नींद आ रही. सॉरी यार, कुछ नहीं, क्या ही मैं क्यों अपना ऑटिज्म डिफेंड कर हूं. मैं ऑटिस्टिक, एनी इश्यूज तक तक. सीरियसली मत लेना. देखो यार, ऑनेस्टली मेरा बस इसका कंटेंट देख के दिमाग खराब हो रहा है भाई. पता नहीं कैसे बना लेती है ये सब. सारी गलती जियो की है. इंटरनेट पहली चीज तो कभी गांव तक, शहरों तक आना ही नहीं था, और आ भी गया तो औरतों तक नहीं जाना था. ये मेरा मानना, आदमियों तक अगर सीमित रहता नहीं, पर उसमें भी तो रजत दलाल जैसे लोग, कहीं नहीं जाना था.
मैं तो बोलता हूँ कुत्ते बिल्लियों को दे दो इंटरनेट। इमेजिन करो भाई एक मल्टीवर्स है जहाँ पे मुस्कान की बिल्ली मेन कंटेंट क्रिएटर है और भाई जो मुस्कान है वो उसकी पेट एनिमल है। मुस्कान की बिल्ली ऐसे मुस्कान को ऐसे गोदी में रख के बोलती होगी, आज मैंने इसकी पुसी निचोड़ के कैट फूड बना दिया और वो खाने में बहुत ही टेस्टी थी। ज्यादा डार्क नहीं हो रहा? आई बेट यू डिडंट नो दिस। आज मेरा बिल्ला सिनेमा हॉल से लाया मेरे लिए एक बड़ी सी वस्तु और वो कुछ मुझे बड़ी चीजें काफी पसंद है। आयरनी, मुझे बड़ी चीजें काफी पसंद है बोल के शॉर्ट्स बना रही है। आई बेट यू डिडंट नो दिस। आज मेरा बिल्ला मनाली से लाया मेरे लिए। मनाली चला गया बिल्ला? बिल्ला नहीं हो गया, बैटमैन हो रहा भैया। बिल्ला मनाली चला गया, मैं घर के बाहर नहीं जा पाता बिना परमिशन के। बिल्ला मनाली चला गया भाई। बेसिकली दिस इज मुस्कान्स वर्ल्ड, वी आर जस्ट लिविंग थ्रू इट। अनोखी ब्राउनी और वो कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में काफी बड़ा है, मुझे नहीं लगता मैं इसे ले पाऊंगी। अभी एक शॉट पहले ये बोल रही थी मुझे बड़ी चीजें काफी पसंद है, अब बोल रही दिखने में काफी बड़ा है, मुझे नहीं लगता मैं ले पाऊंगी। अरे हिपोक्रीस हिपोक्रीस हिपोक्रेट नहीं, मुस्कान इज द बेस्ट एग्जांपल भाई की मांगो उतना ही जितना ले पाओ। नहीं एवरी अदर गर्ल बी लाइक की भाई यू नो साइज मैटर्स, साइज मैटर्स, या ऑब्वियसली ओके एग्री यस साइज मैटर्स बट डीपनेस एज वेल। No one talks about that shit, bro. Yeah, being honest, but this much sexual talk, and especially when the food is involved, bhai, I am feeling uncomfortable. Like, if I'll have to be honest, like, I don't even want to continue this video, man. If I'll have to be honest, मैंने मुस्कान को उसके content के अलावा भी देखा है, भाई, you know, रचित रू की stream में, बाकी live streams में एक दो बार. And to be honest, I found her pretty chill. Like, she's a chill girl, so you don't need to hate on her, literally. But bro, it would be really nice if you will stop mixing both things, like khana bhi aur 18 plus stuff bhi. Ya to bhai tu 18 plus stuff creator hi ban ja, ya to tu food blogger ya food reviewer hi ban ja, whatever. But don't mix that two things. Bhai think about those people jinko khane ke liye nahi milta. Kitne logo ko khane ke liye nahi milta aur bhai tumko mil raha hai to tum nahi kha rahe ho. Matlab bhai just respect food man. Baki bhai ab main ye video bana hi raha hu to mujhe sunne mein aaya सीधे मौत ने कांच के घर निकाल दिया भाई। इस पे अलग से तो भाई कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाने वाला, कॉस मैं कोई चैनल रिएक्शन चैनल में कन्वर्ट नहीं करना। टीटी शटडाउन पे मैंने बस रिएक्ट कर दिया था भाई क्योंकि मेरा मन था यू नो, पर भाई क्योंकि मैंने टीटी शटडाउन पे रिएक्ट कर रखा है तो भाई कांच के घर आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इट, ठीक है। एंड आई डोंट नो इफ यू ऑल आर वेटिंग फॉर माई रिएक्शन और नॉट, बट लेट मी गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट विदाउट इवन आस्किंग फॉर इट। हाँ हस्बैंड मटेरियल ब्रो। जो के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तुझे मैं बोला था रहने दे चुपो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते, अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ कोटा लगा के आए लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। पर उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर लेकिन व्हाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रॉप जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं फोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम बैठे थे गोवा में साके साथ नानचा को सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला साबोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है मो से मांग रहे डेटा की तनखा, शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हमी पे डिस। तुमी पे डिस, हमी पे डिस। क्या एक मिनट भाई मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो जब मैं बोला था रहने दे चुपो अब आगे से ज्यादा नहीं फेंकते। भाई इसका कोरस बहुत सही है यार, इन्होंने हो कितना प्यारा बनाया ना, थोड़ी सी सिनेमैटिक। कांचों के घर जिनके होते वो अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा सा डार्क हो। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फर्ट नहीं कर रहा ये मुंह पे बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुस फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ।
तू कह रहा है कॉन्सर्ट बताया है मोको तो लासा ले प्रूफ दे कब तक तू पलेगा झूठ पे तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं वो था ड्रग अब्यूज में तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर 5 साल पहले महीना था जून मो बोला प्रभ लेबल का स्टार प्लेयर करा हमने कैप नहीं छोड़ा हमने हौसला हम खड़े रहे वही हम बने रहे टीम प्लेयर फटी जब बयान और फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे एक वक्त ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पर जान चलते थे प्यार से वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई फिर भी वो सरे हम लेबल को दोष दे ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी अगर कोई एक्ट करे सस तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए मुझे अभी भी लगता है शौक है डुओ है बेटा हमारा एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट ऑफ सीधे मौत बिच कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते तुझे मैं बोला था रहन दे चुपो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते शैतान के साथ करते नहीं शैतानी इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूं मैं सॉरी काम वाला वर्ष से ले था ही नहीं जरा भी वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली लेकिन तू भी है हरामी जानी बातें है घुमारा जानी उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी हिजरे को ताली जानी क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं कश्मीर में लड़कियों के न्यूज लीक करते हैं और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं कोई सारा नाम मर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है आपका सच हम बयान करेंगे तब तक के लिए और सच इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो ये पत्थरबाज है आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है छाती पे निशान है इसकी ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे हाँ ये पत्थरबाज है और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी लोगों को दिखना चाहिए ऐसे सपोले वाले हैं भाई जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते तुझे मैं बोला था रहन दे चुपो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Emmer. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. Bro, I know. आखरी में मो की आवाज है ठीक है लाइक आजादी का सीईओ ब्रो रोस्टेड एसओएस ब्रो मतलब हो गया भाई डिस्क की क्या जरूरत थी मो की कॉल रिकॉर्डिंग ही डाल देते आई एम गोना इन्वेस्ट ऑन दोस टू फकिंग प्रिक्स एलिगेशंस तो बहुत डीप है पर तो भाई मुस्कान का वो सेक्सुअलाइज करना अब ये इतनी डार्क डार्क एलिगेशंस भाई फक भाई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन फील ब्लेस्ड